नमस्ते दोस्तों, पूछे अपना सवाल में आप सभी का स्वागत है मेरे यानी कि अंशु कुमार के साथ। दोस्तों, पूछे अपना सवाल में आप हमसे खेती बाड़ी और पशुपालन से जुड़े हुए सवाल पूछते हैं और हमारे एक्सपर्ट देते हैं आपके हर सवालों के जवाब। तो अगर आप भी पूछना चाहते हैं पशुपालन या फिर खेती बाड़ी से जुड़े हुए कोई भी सवाल, तो तुरंत फ़ोन उठाइए और अपना सवाल पूछिए। फ़ोन के अलावा फेसबुक, व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं अपना सवाल। आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर जी सी श्रोतिय जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। तो दोस्तों, अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं अपने पहले कॉलर से, रंजीत जी से, जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं। तो आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो हेलो, रंजीत जी बात कर रहे हैं? हाँ, कर रहा हूँ। नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। हाँ हाँ मेरा सर, आपका सवाल आया था। हाँ मेरा सर, पूछे अपना सवाल। मेरा सवाल यूँ था मैडम कि आम का अभी सीजन आ गया और क्या उसमें आम गिर रहे हैं जी, और उसको आम को गिरने से बचाए, मतलब लास्ट पके तब तक, मतलब इसकी वो डंडल होते हैं वो कमजोर हो जाते, टूट जाते, गिर जाते, इसका उपाय बताइए। हाँ रंजीत भाई, हाँ आम में आपने देखा है कि मोर में काफी फूल आते हैं। हाँ सर। और छोटे छोटे जो पहले ये समझ लो दाना बनता है ज्वार के आकार का, फिर थोड़ा और बड़ा होता है तो मटर के दाने के बराबर, फिर और बड़ा होता है तो अंडे के बराबर। तो इतना आम में फूल लगता है कि सब पे फल लगना संभव नहीं है प्रकृति के तौर पर ही। तो एक पेड़ पे लगभग 200 से 250 अगर आम का फल मिल जाए तो वो अच्छा है। जितना वहाँ फल आता है उसका लगभग ये समझ लो कि 1% से भी कम, 0.5% या उससे भी कम में ही फल आता है। तो ये तो एक स्वाभाविक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन फिर भी जो ये फलों का गिरना है, छोटे फलों का, उसको रोकने के लिए आप नेफ्थलीन एसिटिक एसिड NAA। सर ये देखा था गूगल में, ये तो उसके गुच्छों का काम करता है, ये जो आप बता रहे थे। हाँ, ये फल पे भी कर लेगा, गुच्छे जब आप करेंगे। हाँ सर। तो फल को भी रोकने में मदद करेगा, क्योंकि ये इसी के लिए है, फल रोकने के लिए भी। अच्छा, फल रोकने के लिए भी है। हाँ हाँ, तो इसका जो मात्रा है वो 200 ppm की मात्रा होती है, और एक बार छिड़कने के बाद 15 दिन बाद एक छिड़काव और कर दें। नेफ्थलीन एसिड, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड NAA। हाँ एसिड बराबर है ना, तो इसका छिड़काव करें। अच्छा, ये कभी भी कर सकते हैं सर? ये आप जब फूल ये आपका फल सेट हो रहा है, यानी फल लगना चालू हो रहा है आरंभ, तभी कर सकते हैं। नींबू के आकार का हो गया अभी फल? हाँ, तो आप कर दीजिए, शुरुआत में करते तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहता, अभी अच्छा। भी कर सकते हैं। अच्छा अच्छा जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और सवाल पूछने के लिए। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारे अगले कॉलर भी राजस्थान के रहने वाले हैं, कैलाश जी। तो आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो, कैलाश जी बात कर रहे हैं? हाँ जी। नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। हाँ जी, नमस्कार। सर, आपका सवाल आया था चीकू से रिलेटेड, आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ जी जी सर, पूछे अपना सवाल। मैं पूछ रहा हूँ कि चीकू की खेती करते हैं हम जी, तो फल लगा हुआ है 2-3 महीने हो गए जी, तो उसको तोड़ के पकाना पड़ता है या वो पेड़ पे पक चाहिए? हाँ, पेड़ पे पकेगा और अप्रैल मई तक फल पकता है आमतौर पे। हाँ जी। कितने बड़े हो गए आपके पेड़ ये चीकू के? जो आकार होता है ना नॉर्मल। नहीं, कितने वर्ष का है चीकू का पेड़, या पहली बार ले रहे हैं या? नहीं, पहली बार ले रहे हैं। हाँ, तो इसका जो फल आएगा अप्रैल मई तक आएगा। वैसे चित्तौड़ में किस जगह हैं आप? चित्तौड़ में बड़ी सादरी। अच्छा, तो देखिए कैलाश भाई, ये जो चीकू का पौधा है ये खास तौर पर तटीय जलवायु को पसंद करता है, ठीक है ना? तो ये महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटका, इधर वेस्ट बंगाल, यहाँ ज़्यादा आमतौर पर पाया जाता है। राजस्थान में प्राय इसकी खेती नहीं होती है। हाँ, लेकिन आपने लगाया है तो बहुत अच्छी बात है। तो अप्रैल मई, यानी अब चालू हो गया है अप्रैल, तो मई तक इसका पौधे का आकार पूरा हो जाएगा।
ठीक है सर जी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, ये सवाल पूछने के लिए। तो दोस्तों इसी के साथ आइए बात करते हैं अपने अगले कॉलर से जो कि मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, बद्री प्रसाद जी। तो आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो बद्री प्रसाद जी बात कर रहे हैं जी। नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। जी मैडम। सर आपका सवाल आया था। हाँ जी सर, पूछिए अपना सवाल। मैं कह रहा था मैडम, हमें अनार की खेती करना है तो उसके लिए बीज उपलब्ध कहाँ से होंगे? जी डिस्ट्रिक्ट में बागवानी विभाग होगा जी, तो वहाँ से संपर्क कर लें। महाराष्ट्र से भी ला सकते हैं आप, वहाँ ज्यादा अनार की खेती होती है। तो महाराष्ट्र में सर कहाँ है फसल? अगर औरंगाबाद में ले लें तो वहाँ आमतौर पे जहाँ खेती होती है वहाँ ये नर्सरीज वगैरह भी आपको मिल जाएंगे। कृषि विभाग से संपर्क करेंगे तो वो प्रमाणित नर्सरी और कौन सी नर्सरी में सही किस्म का बीज मिल जाएगा, क्योंकि किस्म का चुनाव भी बहुत आवश्यक है। जो बहुत ज़्यादा उगाई जाने वाली किस्म है उन्नत, वो गणेश, ढोलका, कागजी छिलका, मृदुला, ज्योति, ये कई किस्में हैं। तो थोड़ा एक बार देख लीजिए कि आप कौन सी किस्म लेना चाहते हैं, क्योंकि सिर्फ पौध लेने से काम नहीं है, किस्म का चुनाव भी आप कर लें और इसके बागवानी विभाग से थोड़ी जानकारी ले लें तो अच्छा रहेगा कि क्या उनकी सिफारिश है। जी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, सवाल पूछने के लिए। सर अगर हम अनार की बात करें तो अनार एक ऐसा पौधा है जो कि देश के किसी कहीं भी मतलब मिल जाएगा। हाँ शुष्क क्षेत्रों में भी हो सकता है जी। अगर हमने दूसरे जो ऐसे जहाँ बारिश ज़्यादा है और सर्दी ज़्यादा है तो वहाँ फिर इसमें बीमारियाँ ज़्यादा लगने का खतरा होता है, बढ़वार भी रुक जाती है। तो ये आपने देखा महाराष्ट्र, राजस्थान, ये शुष्क इलाके हैं, गुजरात, यहाँ पर अनार की खेती ज़्यादा हो रही है जी। और सर इसको तैयार होने में कितना वक्त लगता है? 5 वर्ष तो लग ही जाते हैं, और कलम से अगर लगाएंगे तो और भी जल्दी ले सकते हैं जी। तो दोस्तों फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ और कॉलर्स से और देंगे उनके सवालों के जवाब। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। जी आपने गाय में और खास करके गिर गाय में अपनी दिलचस्पी दिखाई है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है पूछे अपने सवाल में, जिसमें आप हमसे खेतीबाड़ी और पशुपालन से जुड़े हुए सवाल पूछते हैं और हमारे एक्सपर्ट देते हैं आपके हर सवालों के जवाब। तो दोस्तों अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, विजय जी से, जो कि नासिक के रहने वाले हैं। तो आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो विजय जी बात कर रहे हैं? कौन बात कर रहा है? नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। हाँ बोलिए मैडम। जी सर आपका सवाल आया था। जी सर पूछे अपना सवाल। जी आपने गाय में और खास करके गिर गाय में अपनी दिलचस्पी दिखाई है। कभी कभी गिर गाय, गिर नस्ल की गाय में आपने दिलचस्पी दिखाई है। हाँ बराबर ना। हाँ जी, और आप ये नस्ल खरीदना भी चाहते हैं? कहाँ से खरीदूँ मैं ये? क्या ये जो गाय की नस्ल है वो आमतौर पे गुजरात और राजस्थान में पाई जाती है। अच्छा अच्छा ठीक है। और कितना दूध देती है वो? ये दूध तो मैं नया हूँ डेयरी फार्म में, नया हूँ मैं। जी जी, ये जो आप जर्सी और होलस्टीन जो विदेशी गायें हैं उनके मुकाबले तो दूध नहीं देती है। इसके दूध की विशेषता ये है कि इसमें जो प्रोटीन आता है वो विशेष किस्म का है और बहुत महंगा मिलता है। A2 किस्म का प्रोटीन दूध कहते हैं इसे, A2 मिल्क है ना। तो ये इसी के लिए। और अभी देश में हमने, हमारे यहाँ देशी गायों के संवर्धन की योजना भी चल रही है। हाँ। तो अपने पशुपालन विभाग से भी ये पूछ लें कि इस गिर गाय के लिए उनके यहाँ क्या योजना चल रही है और उसमें क्या अनुदान भी मिल सकता है आपको। जी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और सवाल पूछने के लिए। तो दोस्तों इसी के साथ आइए बात करते हैं अपने अगले कॉलर से जो कि न्यू दिल्ली में रहते हैं, बीरेंद्र जी। तो आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो वीरेंद्र जी बात कर रहे हैं? हाँ जी। नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। सर आपका व्हाट्सएप के जरिए सवाल आया था, यूकेलिप्टस से रिलेटेड आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ
हाँ मैम, मुझे ये पूछना था, जैसे मैंने पिक्चर भी भेजी हुई जी, है, जी सर, ये 2 साल के पेड़ हो गए लगाए हुए हमने जी, और उनकी जो हाइट है वो तो करीब अच्छी है, 25 फीट के करीब है जी, लेकिन मैम तना बहुत कमजोर है, उसकी वजह से अभी जो पत्तियां आई हैं जी ऊपर वो तो वो झुक गए हैं, काफी झुक गए हैं, आपने देखा होगा उसमें जी सर में। तो मुझे डॉक्टर साहब से पूछना था इसके लिए क्या कर रहे हैं। बीरेंद्र जी, आपने जो चित्र भेजा है, फोटो भेजा है, उसमें एक चीज तो ये है कि हमें समय समय पर इनके जो शाखाएं इधर उधर निकल जाती है उनके कटाई छटाई करते रहना चाहिए, वो वहाँ थोड़ा अभाव रहा, उसकी कमी रही, तो अभी भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और अभी जो इतना लंबा हो गया है तो अगर मोटा करना चाहते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन अभी भी अगर बल्लियों के लिए इसकी कटाई करना चाहें तो कर सकेंगे, क्योंकि 25 फुट का हो गया है और तना बहुत पतला है, अगर तेज हवा चली तो गिर भी सकता है जी जी। तो ये देख लें बाजार में, अगर इस मोटाई का बल्ली के लिए निकल सकता है तो इसकी कटाई भी कर सकते हैं, काफी बड़ा पौधा हो गया है। अन्यथा जो हम साधारण तौर पे बल्ली के लिए कटाई करते हैं वो 3-4 साल बाद करते हैं, तो ये चूंकि अच्छी जगह थी, सिंचाई पानी अच्छा मिला शायद आपके यहाँ, तो तेजी से इसने बढ़वार पकड़ ली है। डॉक्टर साहब, इसका क्या था ना, ये जो आप कह रहे हैं ना ब्रांचेज अपने आप झर जाती हैं सूख के, ये टिश्यू कल्चर का लगाया हुआ है। पौध आपकी अच्छी है लेकिन अभी भी डंडियां जब हम बल्ली लेते हैं तो सीधा जाने के लिए इधर उधर के जो बालियां टहनियां हैं वो कट जानी चाहिए, और कुछ पत्ते को अपन छटाई भी कर सकते हैं, तो उसी से उसका बना रहता है और वो पौधा सीधा जाता है। जी सर, थैंक यू डॉक्टर साहब। जी सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, सवाल पूछने के लिए। तो दोस्तों, इसी के साथ वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए ग्रीन टीवी। सर पूछिए अपना सवाल। मतलब कि कमरा होता है मैम, उसके ऊपर मैम कौन सी शीट डालनी चाहिए जिससे हमारे जम्मू कश्मीर घर के ऊपर लगाना चाहते हैं या मैदान में लगाना चाहते हैं? ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पूछे अपना सवाल में। दोस्तों, अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, विकास शर्मा जी से, जो कि जम्मू के रहने वाले हैं। तो आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो विकास शर्मा जी, बात कर रहे हैं? हाँ जी मैम। नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। हाँ जी नमस्कार मैम। सर आपका सवाल आया था। हाँ जी, हाँ जी मैम बिल्कुल। सर पूछे अपना सवाल। मैम यू मशरूम के लिए मैम, मतलब कि कमरा होता है मैम, उसके ऊपर मैम कौन सी सीड डालनी चाहिए जिससे हमारे जम्मू कश्मीर में सर हो जाए मशरूम? घर के ऊपर लगाना चाहते हैं या मैदान में लगाना चाहते हैं? सर घर के ऊपर कमरा बनाना है, तो सर वो कैसा, उसकी छत कैसी होनी चाहिए? अच्छा, तो देखिए उसका आकार प्रकार तो वही हो गया जो आपके छत की लंबाई चौड़ाई है। हाँ जी, थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि उसमें पर्याप्त नमी रहे, और हमें उसमें एक निश्चित, जब मशरूम उगती है तो निश्चित तापमान भी रखना पड़ता है, तो उसको ठंडा रखने का भी रहे, खास करके गर्मी के दिनों में। तो मैं तो ये सबसे पहले कहूँगा कि जब वहाँ रैक्स लगाएंगे है ना, वो भी लगानी पड़ेगी, तो अपने पहले तो उसके हिसाब से रैक तैयार करें, और जो उसकी कंपोस्ट कहाँ से मिलेंगी वो भी तय कर लें, ठीक है? क्योंकि वो ज़रूरी है कि आपको मशरूम की खेती करने के लिए जो कंपोस्ट चाहिए वो सबसे पहले या स्वयं तैयार करें या बाहर से लें, तो आप स्वयं तो शायद तैयार नहीं कर पाएंगे, तो बाहर से ही लेनी है, तो मिल रही है या नहीं मिल रही है? और कृषि विज्ञान केंद्र आपके यहाँ है जम्मू में, तो वहाँ से थोड़ा प्रशिक्षण भी ले लें तो आपको पूरी सही जानकारी मिलेगी। सर ऊपर प्लास्टिक की शीट से थोड़ा गर्मी ज़्यादा रहेगी, छप्पर लगाएं तो अच्छा रहेगा, प्लास्टिक की शीट से भी तैयार करते हैं लोग, लेकिन परिस्थिति के अनुकूल होना है, छप्पर लगाएंगे तो वातावरण को नियमित करने में, प्लास्टिक में कभी गर्मी कभी ठंडा ऐसा रहता है, तापमान हम सीधा नहीं रख सकते, तो कुछ कड़बी या घास फूस और ये लगा करके जो छप्पर बनेगी साथ साथ, वो ज़्यादा सुविधाजनक रहेगी आपका जो भीतर का तापमान है उसको एक जैसा रखने में।
जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, सवाल पूछने के लिए। तो दोस्तों इसी के साथ अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, बेंजामिन जी से, जो कि कर्नाटका के रहने वाले हैं। तो आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो, हेलो बेंजामिन जी, बात कर रहे हैं? जी जी। नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। हाँ बोलिए। सर आप मैरीगोल्ड की खेती करना चाहते हैं? जी जी जी। सर पूछिए अपना सवाल। वही मैडम, अभी कौन सा सीजन अच्छा रहेगा? जी आपने बेंजामिन जी सीजन की बात पूछी और किस्म की बात पूछी थी, दो चीजें पूछी है, मैं थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले तो ये कि जो उन्नत किस्में हैं उसमें हमारे पूसा से निकली हुई किस्में हैं, तो पूसा नारंगी और पूसा बसंती, ये दो किस्में हैं जिसको आप ले सकते हैं। बेंगलोर से भी जो आपका हॉर्टिकल्चर का संस्थान है बागवानी का, वहाँ से भी आप बीज ले सकते हैं। तो मई जून का समय होता है कि आप इसके पौधे तैयार करें, तो जब बीज लेंगे तो अभी खेत की तैयारी करें और आने वाले महीने में, यानी अभी अप्रैल है तो मई में आप नर्सरी लगा सकते हैं, तो वहाँ से खेती इसकी चालू होगी। और 30 दिन के जब पौधे हो जाएं और लगभग 6 इंच बड़े हो जाएं तो इनकी हम रोपाई कर सकते हैं खेत में, और डेढ़ डेढ़ फुट के फासले पे कतारें लगेगी, उसमें बुआई करनी है, और पौधे से पौधे की दूरी भी हम रख सकते हैं इसमें लगभग 1 फीट के करीब। तो इस तरह से उसकी रोपाई कर दें, और रोपाई के 60 दिन बाद से फूल तोड़ना चालू हो सकता है, हर तीसरे दिन आप फूल तोड़ सकते हैं, और एक एकड़ में आपको 35 से 50 क्विंटल तक फूल मिल सकते हैं। तो इस तरह से इसकी खेती होगी, खाद भी आपको देना है, सिंचाई भी करनी है, सूखने नहीं देना है। तो पहले बीज की व्यवस्था कर लें, नर्सरी लगाएं, फिर बाद में 1 महीने की जब पौध हो जाए तो उसको खेत में रोपाई करें। जी सर, कोई और सवाल? नहीं सर। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और सवाल पूछने के लिए। सर आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे सभी कॉलर को, आप हमारे स्टूडियो में आए और ये तमाम जानकारी आपने हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। तो दोस्तों इसी के साथ अगर आप भी पूछना चाहते हैं खेती बाड़ी या पशुपालन से जुड़े हुए कोई भी सवाल, तो तुरंत फ़ोन उठाइए और अपना सवाल पूछिए। फ़ोन के अलावा फेसबुक, व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं अपना सवाल। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते।